वायर है जिसकी 100 सेंटीमीटर लेंथ है, चलो ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का है और लॉन्ग है, कॉन्स्टेंट पावर डिफरेंस मेंटेन अक्रॉस इट, दो सेल्स हैं फर्स्ट कनेक्टेड सपोर्ट टू ईच अदर, दो सेल्स आए और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, द बैलेंसिंग पॉइंट आर 50 एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन द टू केस, द रेशियो ऑफ द EMF। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और एक आसान मतलब क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, ये एक स्टैंडर्ड सेल है, एक रियो स्टेट है, ठीक है, और ये एक आमीटर लगा दिया मैं और दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। अब जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें चेंजिंग आएगा, यहाँ पे पहले केस में दो सेल्स आए और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सपोर्ट ईच अदर, तो दो सेल आए और ये सीरीज में कनेक्ट हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बैलेंसिंग लेंथ कुछ गैल्वेनोमीटर यहाँ जी लग गया, बैलेंसिंग लेंथ 50 मिल रहा है, बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर दैट इज L1, क्लियर है, और इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, प्लस माइनस बराबर है। चलो अब इसी सेल को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे भाई, प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, अपोजिट में, टू सेल्स अपोजिट, देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक दूसरे के अपोजिट एंड में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में करें, मतलब प्लस को मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया और माइनस वाले प्लस में है, तो बैलेंसिंग लेंथ घट गया और 10 सेंटीमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिए और बैलेंसिंग लेंथ ये 10 सेंटीमीटर आ गया, दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ L2, ठीक है, तो ये EMF E1 है, EMF E2 है, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो ये कहता है कि EMF E1 अपॉन E2 निकालो, इन दोनों का रेशियो निकालो, आसान सवाल है, हम सबको पता है कि बैलेंसिंग लेंथ में EMF इज इक्वल टू के पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ के इक्वल होता है, तो ये हमें याद है, ठीक है, तो इसको अगर मैं पहले के लिए लगाऊं तो EMF नेट EMF E1 प्लस E2 पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, ए टोटल वायर का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ पहले केस में L1 है दैट इज 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपोजिट में है हम सबको पता है, तो मान लिया मैं EMF माइनस E2, EMF मान लो पहले वाले की ग्रेटर है, EMF माइनस E2, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा 10, तो पहले से और दूसरे में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो ये EMF E1 प्लस E2 अपॉन EMF E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 50/10, तो 50/10 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, अब EMF E1 अपॉन E2 निकालना, तो यहाँ से EMF E1 अपॉन E2 दैट इज 5 टाइम्स E1 और माइनस 5 टाइम्स E2, ठीक है, तो ये इसको इधर लाओगे तो फाइनली इसको हम लोग देख लेते हैं कितना मिलता है, तो इधर मिलेगा इधर माइनस 4 EMF E1 और इधर ये इधर आ जाएगा प्लस 6 EMF E2 दैट इक्वल टू 0, तो फाइनली मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 6 E2 अपॉन 4 टाइम्स E1 दैट इज E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों दैट इज 6/4, E1 अपॉन E2 6/4 दैट इज 3/2, तो 3:2 मतलब फाइनली सोल्यूशन है, 3:2 मतलब बी ऑप्शन सही है।